आप सभी का स्वागत है आपकी एक नई वीडियो की आपकी एक नई वीडियो पर, जिसका आज आप लोग नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि अब जो चैप्टर था, जो गुणसूत्र था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होने का काम किया। मैंने उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का काम किया है। अपना जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, जिसका नाम है ऊतक, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है अभी इस टाइम पे। आपको बताते हैं, पहला चैप्टर कोशिका था, दूसरा चैप्टर आप लोगों ने कौन सा पढ़ा, गुणसूत्र पढ़ा, और तीसरा चैप्टर जो है वो ऊतक हम पढ़ने का काम करेंगे। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं अपने बहुत बेहतरीन तरीके से। नोट्स बनाने के बाद उनको एक बार रिवीजन अवश्य करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार में चीज़ें याद हो जाए, सभी को रिवीजन करना पड़ता है। आप लोग भी रिवीजन करते रहिए, और जो पिछला मैं पढ़ा चुका हूँ उनको भी पढ़ते रहिए, उनका भी रिवीजन करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी विद्यार्थियों ने अपने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने के काम किए होंगे। इसके साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए आप लोग, जो ऊतक है, सबसे प्रथम बात करेंगे ऊतक की। ऊतक होता है तो ऊतक है, समान कोशिकाओं के समूह। जो समान कोशिका होती है, समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को, समान कोशिका, कोशिका किस प्रकार एक जैसी दिखने वाली कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक किस प्रकार होता है, समान कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे हम, एसएससी का पूछा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एसएससी और आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपको बता दें, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। किस क्या बोलते हैं, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का काम करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का काम करेंगे हम। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया जी, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहने का काम करेंगे। इसके जो जनक हैं किसके, हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं इसकी जगह, और हिस्टोलॉजी की जगह पर ऊतक का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊतक का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ऊतक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जनक मार्गली, मालगिली को बोलते हैं। मालगिली जो वैज्ञानिक थे, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहने का काम कर रहे थे ये, और बढ़िया तरीके से आपको बता दें ऊतकों का अध्ययन किया उन्होंने, और युद्ध को यानी हिस्टोलॉजी का जो जनक है मालगिली को कहा गया है। किसको कहा गया है, मालगिली को कहा गया है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिनकेटा संघ में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो ऊतकों का विकास आपको देखने को मिलता है वो सिलिनकेटा में देखने को मिलता है। मैं एक बार आपको और पढ़ाऊंगा इस लाइन को, कि जो सबसे पहले ऊतकों का विकास मिलता है वो सिलिनकेटा संघ के अंतर्गत मिलता है। सिलिनकेटा के जीव हाइड्रा जेली फिश क्या होती है, सिलिनकेटा में कुछ प्रकार के जीव आते हैं, हाइड्रा जेली हो गया, देखो ये हाइड्रा अलग है, जेली अलग है, जेली फिश, फिर जेली फिश भी हो सकती है, जेली भी आती है पेड़ पौधों में, समझ रहे होगे आप लोग, जो समुद्र में होती है जेली फिश भी होती है। उसका किस पर कौन से संघ में आती है, सिलिनकेटा के संघ। हाइड्रा किसके संघ में आता है, कहना सर जी, हाइड्रा जो होता है वो सिलिनकेटा के संघ के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनने का काम कर रहा है कि जो हाइड्रा है वो किस संघ के अंतर्गत आ जाता है, सिलिनकेटा संघ के अंतर्गत आने का काम कर रहा होता है। जेलीफिश क्या किसके अंतर्गत आती है, कहना सर जी, जेलीफिश जो है सिलिनकेटा संघ के अंतर्गत आने का काम कर रही होती है। ऊतक कि चार प्रकार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, आपको कोई भी ये चीजें डिटेल में देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताने का काम कर रहा हूँ। ऊतक चार प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, मैं अपने सभी विद्यार्थियों से पूछने का काम करूंगा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे सारे विद्यार्थी आंसर एक ही होगा कि ना सर जी ने बताया था ऊतक का जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला समझिए आप लोग, पहला होता है संयोजी ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक। देखो पहले संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला या एंडीपोज, समझिए एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ किस प्रकार खेलने का काम करता है। जो उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक के नाम की जगह पर वो एडीपोज भी देने का काम करता है। कहीं कहीं एग्जामिनर ने ऐसा दिया है कि बच्चों को उपकला ऊतक याद रहता है। हम आपको बता दें कि स्पीडी जैसी वन लाइनर जो किताबें हैं उसमें आपको उपकला ही मिलेगा, एंडीपोज तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जामिनर को पता है कि आजकल विद्यार्थी जो हैं वो डिटेल से पढ़ने का काम नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका तैयारी का एक लंबा टाइम, एक लंबा पीरियड निकल जाता है। उसके बाद वह उन्हें अपनी गलती का जब एहसास होता है तो लगता है कि काफ़ी समय निकाल दिया है उन्होंने। तो आप लोग यह गलती नहीं करेंगे, मैं यह आशा करता हूँ। जो उपकला होता है, उपकला का एक नाम और होता है जिसको हम एंडीपोज बोलते हैं। उपकला का एक और नाम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडीपोज बोलेंगे। उपकला
को एक नाम होता है जिसको एंटीपोज बोलेंगे। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कहना सर जी ऊतक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला सहयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा उपकला ऊपर या एंटीपोज ऊतक कहने का काम कर रहे थे। अब बात करेंगे जो हम इसका नाम जो पड़ेगा, पहली लाइन जो हमने आपको पढ़ाई इसके बारे में डिटेल से जानने का काम करेंगे। संयोजी जो ऊतक होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, हर चीज को मैं इम्पोर्टेंट क्या बताऊं, मैं तो हर चीज इम्पोर्टेंट इसलिए मैं हर जगह इम्पोर्टेंट लिखने के लिए बैठूँ ना तो पूरा बोर्ड भर जाएगा इम्पोर्टेंट से, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। जितने भी पॉइंट देखने को मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। संयोजी जो ऊतक होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कहना सर जी ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ेगा किस प्रकार, तो आपको हम बता दें जो संयोजी ऊतक होते हैं जैसे कि मान लीजिए हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? अंगों को आपस में जोड़ने का काम। अंग क्या होते हैं आपके? आपके जैसे कि आपको बताते हैं हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इस प्रकार के जो अंग होते हैं आपको इनको जोड़ने का जो काम करता है वो संयोजी ऊतक करता है। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आपको बता दें कि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए संयोजी ऊतक हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह आपस में अंगों को जोड़ने का काम करता है जिसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी बताया था आपको अस्थि यानी हड्डी, रक्त, लसीका एक्सेट्रा आदि, अस्थि को जोड़ने का काम। कहना सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अस्थि को किस प्रकार जोड़ेगा, तो मैं आपको यह बताने का जो काम करूंगा, आपने देखा होगा कंकाल का, मुझे मैं सोचता हूँ कि सारे विद्यार्थियों ने, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ने कंकाल देखा होगा। इस प्रकार की जो हड्डी होती है वो आपको देखने को मिलती है। जो मान लीजिए एक हाथ की हड्डी कह लीजिए आप या घुटने की हड्डी कहने का काम करेंगे और इसके बाद इस तरीके का ज्वाइंट यहाँ पर आपको देखने को इस तरीके से मिलता है। समझिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको चित्र बना के आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। समझिए इस प्रकार ये आपकी हड्डी है, हड्डी को हड्डी से जोड़े यानी अस्थि को जोड़ने का काम करना है। अस्थि कहाँ है भैया जी? ना सर जी अस्थि ये लिखा है और ब्लड सेल्स को जोड़ने का काम, नलियां हैं बहुत सारी उनको जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कहना सर जी उसको जोड़ने का जो काम करता है वो संयोजी ऊतक करता है। आगे समझेंगे काम करेंगे हम कि एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करिएगा कि बताइए अस्थि कौन सा ऊतक है। क्वेश्चन इस प्रकार करता है एग्जामिनर, मैं आपको बताता चाहता हूँ कि जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार का क्वेश्चन करने का काम कर रहा होगा। आप लोगों को बशर्ते क्या है, प्रत्येक चीज को नोट कर करके लिखना होता है। आपको बता दें कि एग्जामिनर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन करेगा कि बताइए अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। जब यह क्वेश्चन जब उठता है कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक है तो आपको पता चलना चाहिए कि अस्थि, हमारे सर जी ने बताया था अस्थि एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? अस्थि संयोजी ऊतक है। इसके बाद रक्त भी इसी सब पूछेगा कि रक्त बताइए कौन सा ऊतक है, कहना सर संयोजी ऊतक है। लसीका कैसा ऊतक है, कहना सर संयोजी ऊतक होने का काम कर रहा होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर दो हम जो पढ़ने का काम करेंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आपको बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। आपको बता दें हम कि जो मैं जितने भी पॉइंट लिखता हूँ एग्जामिनर वही पॉइंटों में से क्वेश्चन निकालता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, जितना भी इम्पोर्टेंट के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आया हुआ है मैं उसको ले लेता हूँ। और आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं इस कंटेंट के लिए मुझे देखना पड़ता है, प्रत्येक किताबों में देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उठे और बस लिख दिया और आपको पढ़ा दिया, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और आप लोगों से क्या मांगते हैं कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन आप लोग उसमें भी सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं उनको पढ़ने का काम करें बहुत बढ़िया है सब। तंत्रिका जो ऊतक है इसके बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका ऊतक होता है इसका मस्तिष्क, देखिए तंत्रिका ऊतक होता है मस्तिष्क का बना होता है। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाने का काम किया था। आप समझिए कि तंत्रिका ऊतक, हमने बताया था कि तंत्रिका ऊतकों में कोशिका विभाजन नहीं होता है।
क्योंकि आपको बता दें ये मेन हेड ऑफिस होता है अपने शरीर का, यहाँ पर सारी नसें आपको काम करने का काम करती हैं। जितना भी आदान प्रदान आदेश का आना जाना, ब्लड सर्कुलेशन, सारे निर्देश देने का काम जो करता है वो हेड यानी दिमाग करता है। और ये किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है भैया जी? तंत्रिका ऊतक का बना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस प्रकार करेगा कि बताइए मस्तिष्क किसका बना होता है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। इसके बाद हम आगे जब बात करेंगे तो यह सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है। मैं आपको बता चुका हूँ जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सूचना का आदान प्रदान करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आदान प्रदान किस प्रकार करता है, आप मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देने का काम करिए। तो मैं आपको बता दें कि जो आदान प्रदान करने का काम जो तंत्रिका तंत्र है या मस्तिष्क का बना जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क बना होता है, यह सूचना का आदान प्रदान इस प्रकार करता है कि मान लीजिए कि हमें आप सोचिए कि जैसे आपके आपके मान लीजिए ये शोल्डर है, ठीक है ना, शोल्डर पे आपको एक मच्छर ने काटा, तो समझिएगा अब आपको जो मच्छर काटने की जो क्या बोलते हैं फील जो आपको एहसास है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग तक पहुंचने का काम करेगा। जो दिमाग होगा वो आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कष्ट हो रहा है, और आप क्या करेंगे, किसका निर्देश देगा, इस हाथ को निर्देश देने का काम करेगा, और आप इस हाथ को उठाकर इस मच्छर को यहाँ पर मारने का काम करेंगे। तो सूचना का आदान प्रदान इतनी बेहतरीन इतनी जल्दी जल्दी होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि क्षण भर में लगभग लगभग बहुत स्पीड से हम यह जज नहीं कर सकते, इसको पता नहीं चलता है कितनी स्पीड से आपको हाल किया। जिस प्रकार मान लीजिए हमारे कानों में एक आवाज गई, समझिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, आपको देने का काम करूंगा। समझिए एक बात, मान लीजिए आपके आपके कानों में एक साउंड जाता है, आपके कानों में एक साउंड गया कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, माना कि यह साउंड गया कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो यह साउंड किस प्रकार आपके कानों में जाएगा मैं आपको यह बताने का काम करूंगा। जब आपके कानों से जाने के बाद यह सीधा कहां पर जाने का काम करेगा, आपको दिमाग तक जाने का काम करेगा, यानी सूचना का आदान हो गया, प्रदान हो गया। मान लीजिए आप चल रहे हैं, तो चलने के लिए आपको एक पैर आगे करना पड़ता है, एक पीछे होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, यह सारी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? हमारे मस्तिष्क से, जो कि सूचना का आदान प्रदान करने का काम करती है। आपको बता दें कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई वस्तु, मान लीजिए आपको किसी वस्तु से भय लगने का काम या उसको मारने का काम या गुस्सा होने का काम, ये सारी मस्तिष्क का चैप्टर आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का काम कर रहे होंगे। सारा चैप्टर जितना भी मैं कहता हूँ कि आपको अगले चैप्टर में या आगे जाकर देखने को मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपसे सिर्फ कह देते हैं और पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा अवश्य होगा कि आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का काम आप कर रहे होंगे। समझिएगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा आदान प्रदान किस प्रकार का होता है। इसके बाद बात करेंगे पेशी ऊतक क्या होता है। कहना सर जी पेशी ऊतक तो हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप बता दें कि जो पेशी ऊतक है मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बनने का काम अभी थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा देखिए, हम आपको डिटेल बताने का काम करेंगे। जो पेशी ऊतक होता है यह मांसपेशियों का बना होता है, यह शरीर की रक्षा प्रदान करने का काम करता है। कहना सर जी कैसे, ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम कर रहे होंगे। मान लीजिए ये आपकी हड्डी है और हड्डी पर मांसपेशियां इस प्रकार लिपटी हुई है, जैसे कि किसी ने तंगड़ी खाई होगी या जो मांसाहारी व्यक्ति होगा जिसको बोलते हैं चिकन बिरयानी वगैरह जिसने खाई होगी, तो हड्डी के अंदर भी एक मांसपेशी यानी मांस लगा होता है। इस प्रकार का मांस आपको देखने को मिलता है। यह मांस क्या करता है, यह हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा, मान लीजिए आपकी हड्डी की सुरक्षा, मान लीजिए आपको यहाँ पर लगी तो सबसे पहले किस पे लगेगी, आपकी मांसपेशियों को लगेगी। अच्छा मांसपेशियों का जो विकास है इसमें कोशिका विभाजन होता है, यह जल्दी से ही होने का काम करती है। लेकिन इसी के अंदर की जब हम बात करेंगे कि मान लीजिए हड्डी टूटने का जो काम होता है उसका प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है और बहुत लंबे समय तक का आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है। आप समझिएगा कि जो पेशी ऊतक के अंतर्गत कौन सी आती है, पेशी ऊतक वह ऊतक होता है जो मांसपेशियों का बना होता है, और पेशी ऊतक का काम क्या होता है, यह हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कर रहा होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है उपकला। समझे थोड़ा सा, उपकला यानी एंडीपोज ऊतक।
उपकला हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताने का काम किया, उपकला भी कह सकती हैं या एंडीपोज, दोनों नाम आप याद रखने का काम करेंगे। एंडीपोज इसमें त्वचा, यह किसका बना होता है, यह त्वचा का बना होता है, यह वसा को संग्रहित करने का काम करता है। कहना सर यह बात अब मांसपेशियां थी, मांसपेशियों के बाद अब ये त्वचा और वसा क्या है, वसा यानी जो मोटापा एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ने का काम करती है, यानी मांसपेशियां मांसपेशियों के ऊपर एक चर्बी चढ़ेगी, यानी आप समझिए थोड़ा सा, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए कि इसके ऊपर चर्बी चढ़ती जा रही है या वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है आप मोटापे के शिकार होने का काम करते हैं। वही अगर आपका एक लिमिटेड मात्रा में रहता है तो आपकी बॉडी की आंतरिक अंगों की और आपकी मांसपेशियों की फिर आपकी हड्डियों की रक्षा करने का यही काम करता है। समझिए उपकला उपक या एंटी एंटीपोज ऊतक होता है, इसमें त्वचा का बना, यह त्वचा का बना होता है, नहीं ये लास्ट वाली है, समझ रहे हैं, ये वाली, इस वाली की बात करें, कौन सी ऊतक है भैया जी जो आपकी ऊपरी वाली खाल होती है उसको क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक या एंटीपोज ऊतक बोलते हैं। यह त्वचा का बना होता है, यह वसा को संग्रहित रखने का काम करता है। इसके बाद समझिए थोड़ा सा ये पॉइंट अगला पढ़िए, बुढ़ापे में वसा की कमी होने के कारण चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आप बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, उन लोगों की खाल लटक जाती है। अच्छा जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे आपका जो, आप समझिए ना, अब जो वसा होगा ना, वसा खत्म होता जाएगा, घुरता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे को फुला देंगे फिर उसको जब पुचकाएंगे तो उसमें क्या होगा कि झुर्रियां टाइप की, यानी उस टाइप का हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं एक बार भूल चुका गुब्बारा। इसी प्रकार मैं आपको आगे बताने का काम कर रहा हूँ, जब आपके शरीर में मांस भरा रहा था, जब डाइट मांस था, उसके जब वसा की कमी होगी तो वह खाल क्या होगी, लटकने लगेगी, ठीक है ना। इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, जैसे मैं स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, जैसे जैसे उम्र निकलती है वैसे वैसे हमारे चेहरों पर झुर्रियां देखने को आपको मिलती है। इसके बाद बात करेंगे कंकाल तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको बता दें ऊतक यहीं तक था, यहीं तक समाप्त होने का काम किया, यहाँ तक यहीं तक समाप्त होने का काम किया। इसके बाद बात करेंगे कंकाल तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कंकाल हमारे सीधा खड़ा रखने में हमारी मदद करता है। कंकाल जो होता है, कंकाल क्या करता है भैया जी, जना सर जी, जो कंकाल होता है हमें सीधा खड़ा रखने में, स्थिरता प्रदान करने में, किस किस में, सीधा सीधा खड़े होने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए, और क्या बोलते हैं, कंकाल की मदद से हम जीव जंतुओं को आसानी से गति कर पाते हैं, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को समझिए थोड़ा सा, ये पॉइंट कहना तो कहना क्या चाह रहा, समझो कंकाल जो तंत्र होता है, यानी आपका बेस पॉइंट, यानी आप जब किसी मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाने से पहले उसमें पिलर या नी का प्रयोग किया जाता है, पिलर और नी दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो मकान है बहुत लंबे ऊंचाई तक बने और उसमें अंदर से यानी बीच से मजबूती बेहतरीन तरीके से, जमीन से यानी नी उसकी बहुत बेहतरीन बने, जिससे कि मजबूती बहुत बेहतरीन तरीके की है। जैसे कि मकान है ना, कितना भी ऊपर ले जाएंगे तो बाद में आपको कोई समस्या का क्या फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है, तो जो हमारे हड्डियों का ढांचा होता है, इसको नाम ही दिया गया है मेरे टॉपिक का नाम, इसका नाम है कंकाल तंत्र। समझिए थोड़ा सा, क्या नाम दिया गया है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता है ये हमारे हमारे जो शरीर होता है, शरीर में जो अंदर, आपको बता दें अंदर जो भाग होता है, यानी हड्डियाँ हो गई, है ना। जैसे आप लोगों ने म्यूजियम में देखा होगा, योग वाले नाटक में देखा होगा कि कंकाल टंगे हुए हैं, तो अपना क्या होता है, बेस होता है, यानी इसी पर क्या होगा, मांसपेशियाँ चढ़ेंगी, इसी को वसा चढ़ेगा, इसी के ऊपर नसें वगैरह हो गए, चर्बी वगैरह हो, इसी के ऊपर ही सब कुछ होता है, समझ रही होंगी। जिस प्रकार एक नींव फाउंडेशन भरने के बाद ही हम उसके ऊपर ईंटें पे एक एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट लगाकर एक मकान का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है वो इसी प्रकार निर्माण होता है। अब आप समझिए कंकाल होते हैं, कंकाल दो प्रकार के होते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होंगे भैया जी, सर जी कहना सर जी, दो प्रकार के होते हैं कंकाल, पहला वाह कंकाल, ठीक है ना, पहला बाह कंकाल और दूसरा आंतरिक कंकाल, दोनों में आपको बताऊंगा। समझिए बाह कंकाल क्या होता है, बाह कंकाल होता है यह शरीर की बाहर पाया जाता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, शरीर की रक्षा करने का काम करता है।
कहना सर ये लाइन हमें कतई समझ में नहीं आई, भाग अंकल होता है तो होता क्या है। तो मैं आपको बताने का काम करूंगा, एग्जांपल आप जैसे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केकड़ा हो गया, तिल चट्टा हो गया, मकड़ी हो गया, ठीक है ना, टिड्डा हो गया, टिड्डा हो गया, घेंगा हो गया, चींटी हो गई है, ठीक है ना, मधुमक्खी हो गई, बिच्छू हो गया, सांप हो गया, शंख वगैरह हो गए, इस प्रकार के जीव आपको जो देखने को मिलते हैं तो आप समझ में आदमी समझ नहीं पाते हैं कि सर भाग अंकाल होता है तो होता क्या है। क्या होते हैं, मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण केकड़ा का लेने का काम करेंगे, तो जो केकड़े की जो स्क्रीन, बाहर की जो स्क्रीन होती है वह बहुत हार्ड होती है। अगर जिस व्यक्ति ने भी और मेरे जितने भी विद्यार्थी उन्होंने अगर कभी केकड़ा देखा हो तो आपको पता होगा कि जो केकड़े की जो बाहर की स्क्रीन होती है वह अत्यधिक कठोर होने का काम करती है, तो उसी को हम बोलते हैं भाग अंकाल। पहले इसका आपका पता है इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, आपको बता दें हम इसका, इससे तो देखो कोई जो उनके ऊपर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पैर रख दिया तो उनको कोई असर होगा, कतई कोई असर नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर भाग अंकाल की परत चली थी। लेकिन एक कछुआ का जब उदाहरण लेने का हम काम करेंगे तो उसमें भाग अंकाल और आंतरिक अंकाल दोनों होने का काम करता है। आंतरिक अंकाल और भाग अंकाल, जब मैं आपको आंतरिक अंकाल पढ़ाऊंगा तब इसके मैं बढ़िया तरीके से जानकारी दूंगा, अभी थोड़ी देर में ही पढ़ाऊंगा उसको। तो जो भाग अंकाल होता है बाहर से मजबूती यानी ठोस, यानी ठोसता का प्रदान करने का काम करता है। अब आपको बता दें तिल चट्टा हो गया, जो तिल चट्टा होता है, तिल चट्टा जो होता है, तिल चट्टे की जो ऊपर की स्क्रीन होती है वह अत्यधिक कठोर होने का काम करती है। सभी में जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, चींटी हो जाए, चींटी को भी आपने देखा होगा उसकी जो, अच्छा कभी किसी ने फील करके देखा होगा, चींटी तो ना कहेंगे, चिंटा को अगर ले लें इसकी जगह उदाहरण के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कभी देखना जो मरा हुआ चिंटा रहता है उसके ऊपर की जो स्क्रीन होती है बहुत हार्ड, उसके हिसाब से बहुत हार्ड होती है, अपने हिसाब से नहीं होती है लेकिन उसके हिसाब से बहुत हार्ड होती है। इसके बाद बात करेंगे हम मधुमक्खी हो गई, चाहे बिच्छू हो गया, चाहे सांप हो गया, सिर्फ सिर्फ सॉरी सांप नहीं भैया जी, सिर्फ सांप तो हो जाएगा किसका उदाहरण, आपका आंतरिक अंकाल का उदाहरण होगा, सिर्फ बोल रहे इसको, ठीक है ना। और शंख, शंख वाला जो होता है ना, शंख के अंदर एक जीव पाया जाता है इससे मोती वगैरह का निर्माण होता है, इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतरीन तरीके से नोट करने का काम कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको बता दें कि जो ऊतक है, ऊतक आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होने का काम करता है। ये कंकाल तंत्र है, इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको अगली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अब इसलिए भाग कंकाल के बारे में बताया गया है, अब ये बहुत सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में देने का काम करेंगे। तो जो ऊतक है वो आपका आज एक चैप्टर, पूरा का पूरा एक चैप्टर समाप्त करने का काम किया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करके आना होगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी बहुत बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का काम कर रही थी। एक ही इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।